इस गोष्ठी के अध्यक्षता करते हुए मेरे मित्र अरिफ मोहम्मद खान, गुरुओं का गुरु गुरुमूर्ति और मंच में उपस्थित ओझा और भाइयों में स्वदेशी जागरण मंच ने ये आयोजित करके मुझे एक मौका दिया है आपको मेरे विचारों को बताने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए। मैं मेरी अपने वक्तव्य को तीन भाग में बांटूंगा। पहला, मैं भ्रष्टाचार का परिभाषा पर कुछ कहने चाहूँगा। दूसरा है कि भ्रष्टाचार की बहुआयाम नष्ट क्या है, क्यों बुरा है। और तीसरा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन की समाधान क्या हो सकता है। इन तीनों के इन तीनों विषयों पर मैं अपने वक्तव्य को रखूंगा। पहले तो परिभाषा का सवाल है कि हम यहाँ हमारे देश में भ्रष्टाचार को हर चीज पर लगा देते हैं। उस शब्द का हर विषय पर, हर नापसंद बात पर हम कहते हैं ये भ्रष्टाचार है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रामदेव भ्रष्ट है क्योंकि वो कैश में डोनेशन स्वीकार करते हैं। अब ये परिभाषा होगा तो देश में बहुत कम लोग बचेंगे, क्योंकि मैं मान लीजिए कोई भ्रष्ट आदमी है, उसके पॉकेट में रुपए नोट्स बहुत हैं और टैक्सी में जाता है और टैक्सी ड्राइवर को किराए देता है कैश में, तो क्या वो टैक्सी ड्राइवर भी भ्रष्ट हो गया है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार जहाँ फ्रॉड होता है उसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं, एक्सटॉर्शन होता है जहाँ जबरदस्ती कहीं पैसे वसूल किया जाती है धमकी के आधार पर, उसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। वैसे तो इसीलिए मैं जिस भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा हूँ जो देश को नुकसान करती है, बहुआयाम उसकी नुकसान है, उसकी परिभाषा मैं बतानी चाहता हूँ, जिसमें कानून के अंतर्गत और विधि के अंतर्गत हम कार्रवाई कर सकते हैं। वो है भ्रष्टाचार सार्वजनिक पद का दुरुपयोग। उसमें भले रुपए और धन का नष्ट हो या ना हो, लेकिन जहां कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस में बैठ निर्वाचित होकर मनोनीत होकर, लेकिन एक पब्लिक ऑफिस में एक सार्वजनिक दफ्तर पर बैठता है और उसको जो अधिकार मिलती है उस अधिकार का दुरुपयोग करके अपने के लिए या अपने परिवार के लिए या अपने मित्रों के लिए या किसी और के लिए वो फायदा पहुंचाता है जो नाजायज है, जो मेरिट पर करना नहीं चाहिए, वो उसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। मान लीजिए टेंडर निकलती है रोड बनाने के लिए और टेंडर के लिए आते हैं, कोई व्यक्ति कहता है मिनिस्टर को कि मैं तो इस टेंडर की जो कंडीशंस हैं इसमें तो मैं क्वालिफाई नहीं हो सकता, लेकिन आप किसी तरीके से इधर उधर एडिशनल कंडीशन डालकर मुझे आप देंगे तो मैं इतना पैसा दूंगा। तो मंत्री हो सकता कहेगा नहीं नहीं इसमें से नहीं चलेगा और थोड़ा ज़्यादा देना होगा। इस तरीके से करके उसको टेंडर दिया जाता है जब उसको मिलनी नहीं चाहिए, और मिलने के बाद वो क्या करता है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल
सड़क बनाने में लगाता है और इसीलिए जो सड़क है हमारी वो एक बारिश के बाद खाली हो जाती है। और मिनिस्टर को भी मजा है क्योंकि अगले साल दोबारा टेंडर निकालेगा और दोबारा ऐसा होगा। हम हमारे देश के लोग बहुत बढ़िया सड़क बना सकते हैं, विदेशों में बनाते हैं, मलेशिया में बनाई है, नाइजीरिया में बनाई है, इराक में इतना अच्छा बनाया है कि जब अमेरिका का आक्रमण हुआ तो वो बसरा से बगदाद इतनी तेजी से गए कि बुश ने कहा एक अच्छा काम तो सदाम ने जरूर किया, वो उसने बहुत बढ़िया सड़क बनाई जिसका फायदा हमने हमें मिला, परंतु वो सड़क सदाम हुसैन की बनाई हुई नहीं है, ये उसने हमारे बॉर्डर रोड्स की को कॉन्ट्रैक्ट देकर हमने बनाई। तो हम अच्छे सड़क बनाते हैं देश के बाहर, पर देश के अंदर थर्ड रेट सड़क बनाते हैं भ्रष्टाचार के पास। तो एक इसकी असर जरूर होती है कि जो आपको प्रोडक्ट मिलती है, जो उत्पादन मिलती है वो उसकी स्टैंडर्ड गिर जाती है भ्रष्टाचार के काम। परंतु इस प्रोसेस में मंत्री को पैसा मिलता है और जिसको टेंडर में टेंडर नहीं मिलनी चाहिए उसको मिल जाता है, तो मेरिट का एक बड़ा नष्ट होता है। तो जहाँ पद का दुरुपयोग होता है वहाँ है भ्रष्टाचार। अब ये 2G में यही हुआ है। अब 2G क्या है इसमें मैं नहीं जाऊँगा, हर व्यक्ति हमने अपने कल्पना लगाए हुए हैं। मनमोहन सिंह को किसी ने पूछा कि 2G क्या, कहता है सोनिया जी और राहुल जी, ये दो जी जानता हूँ मैं। तो वो ऐसा है कि मैं संक्षेप में बता दूंगा कि जब कॉर्डलेस फोन यूज करते हैं सिर्फ हमारी वाणी की वाणी सुनाई देती है वायर के बिना, वायरलेस, और कुछ नहीं होता उसमें। आप टेलीफोन करो दूसरी जगह घंटी बजेगी और आपकी बातचीत हो सकेगी। वो हवा में वेव में जाती है, स्ट्रेट लाइन में कभी वाणी की नहीं जाती है, वो वेव में जाती है, लंबा वेव में जाती है। जब आपको SMS भेजना होता है, MMS भेजना होता है, चित्र भेजना होता है, तो उसके लिए जो वेव है साउंड वेव्स वो उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, लंबा वेव नहीं, उसको 2G कहते हैं। जी माने जनरेशन माने पीढ़ी। अब 3G आ गए क्योंकि आपको वीडियो देखना है, जिसको फ़ोन किया उसको देखना है, उसके लिए और भी साइकिल्स होने चाहिए आवश्यक है। और इसीलिए आकाश को का बंटवारा करनी पड़ेगी, ये सारे वेव टक्कर ना पड़ा टक्कर में नहीं आए, तो इसीलिए बंटवारा करने में स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं जो हिस्सा बनती है, और इस हिस्सा को देना होता है। अब राजा साहिब ने क्या किया, उसने साधारण तो नीलाम करना चाहिए था, पर नीलाम नहीं करना उसने फैसला किया। ये पहले से तय था, NDA गवर्नमेंट ने किया, इसमें मैं नहीं जा रहा, पर राजा के पास अधिकार था कि नीलाम कर दें, परंतु उसने उस अधिकार को उपयोग नहीं किया। उसने कहा नहीं, मेरे जो मैं लोगों को चाहता हूँ उनको मुझे लाइसेंस दिलाना है और सस्ते दाम पर दिलाना है। तो उसमें से दो रियल एस्टेट कंपनी उनके फेवरेट थे, एक का नाम था अस्वान और दूसरा का नाम था यूनिटेड। इन दोनों को किसी हालत से देनी थी, तो उसने ऐसे सिस्टम बनाए कि आखिर में उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाली कि जिन लोगों ने अप्लाई किया वो, और वो प्रेस रिलीज निकाली 2:45 दोपहर को 10 जनवरी, कहा कि जो लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो 3:30 और 4:30 के बीच के एक घंटे के समय में उसके अंदर 1,651 करोड़ रुपए की डिमांड ड्राफ्ट लानी चाहिए। अब 2:45 को आपको कोई बताएगा कि 3:30 और 4:30 के बीच में आप एक डिमांड ड्राफ्ट 1,651 करोड़ रुपए का लाना है, असंभव है। आपको तो 1 करोड़ का भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं मिलेगी,
किसी बैंक में जाकर दे दीजिए, परंतु वहाँ उसके जो चाहने वाले लोग हैं या जिनको वो चाहते थे वो पहले से डिमांड ड्राफ्ट बना के पॉकेट में रखकर उसके कमरे में बैठे थे और उनको लाइसेंस मिली। और लाइसेंस किस दाम पर मिली? 2001 के दाम पर, जब हमारी देश में सिर्फ 4 करोड़ मोबाइल फोन्स थे। और ये 2008 को जब उसने लाइसेंस दी तो उस समय 70 करोड़ मोबाइल फोन्स थे। तो इससे आपको पता लगता है कि मार्केट कितनी बड़ी हो गई और कितना लाभ होगा जिसको स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो 2008 को दाम थी लगभग 10 गुना ज़्यादा 2001 से, तो उसमें नुकसान हुई। तो इनको लाइसेंस मिलने के बाद ये तो जमीन बेचने वाली कंपनी थे, उसमें यूनिटेक का हिस्सा और रॉबर्ट वड्रा का भी था, तो कभी ना कभी उसकी भी बारी आएगी। ये चिंता मत करिए, उसको छोड़ने वाला हम तो लगे हुए हैं, हम तो इसको तो पूरा करेंगे। तो मैं ये आपको कहने चाहता हूँ कि इन लोगों ने, इनको तो ये टेलीकॉम कंपनी चला ही नहीं सकते, इनको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, टावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे इनको मिला लाइसेंस इन्होंने 2 विदेशी कंपनी को बेच दी 8 गुना दाम पर, 10 गुना दाम पर नहीं, 8 गुना दाम पर। वो बाकी जो 2 है वो ये विदेशी कंपनी का लाभ था। और कौन से विदेशी कंपनी को बेचा, जिसको होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी जब शिवराज पाटिल बने थे होम मिनिस्टर, उस समय बनाई गई थी, उस रिपोर्ट में ये था कि 2 कंपनी, विदेशी कंपनी हमारे देश में घुसने चाहते हैं, उनको घुसने नहीं देना। एक का नाम है एटीसलाट, ये पाकिस्तान का फ्रंट कंपनी है, और इसका जो इंडिया का एजेंट है या इंडिया का जो यूनिट है उसका मालिक है शाहिद बलवास, और शाहिद बलवास दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड मैन है, तो इसीलिए इनको आने नहीं देना, नहीं तो टावर लगाने के नाम पर सारे आतंकवादियों को घुसा देंगे देश में। और दूसरा टेलीनॉर कंपनी, ये टेलीनॉर कंपनी की नॉर्वेजियन है, परंतु इसकी सारी इक्विपमेंट चाइना का मिलिट्री देती है, और ये चाइना का इक्विपमेंट ऐसी है कि वो टेलीकॉम भी कर सकती है और साइबर वॉरफेयर भी कर सकती है, आपके कंप्यूटर को ठप कर सकती है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई हो तो आपके डिफेंस की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स को फेल कर सकती है, तो इनको आने नहीं देना। इन्हीं 2 कंपनी को इन लोगों ने बेचा और किसी ने इतराज नहीं किया, तो राजा पकड़ा गया, क्योंकि उसने पद का दुरुपयोग करके इन 2 कंपनीज को लाइसेंस दिलाने के लिए व्यवस्था की। उसमें और भी 7 लोग को मिल गई, टाटा को मिल गई, टाटा ने 13 गुना दाम पर उन्होंने डकोमो को बेच दिया। तो ऐसे लूप है, यानी एसआरके हैं और भी कंपनीज ऐसे हैं, तो इन सब लोगों ने खूब मुनाफा कमाया। और देश का कितना नुकसान हुआ, मेरे अनुमान है, सीएजी के अनुमान है, वो जो मूर्ख है कपिल सिब्बल, उसको तो गणित आता ही नहीं है, तो वो शून्य के फिर आगे जा ही नहीं सकता, परंतु हमारी अनुमान है कि 1,76,000 करोड़ के आसपास देश की जो राजस्व यानी रेवेन्यू आ सकती थी नहीं आई। कौन ले गए? ज़्यादातर ले गए जिनको लाइसेंस मिली, जिन्होंने बाद में बेच दिया, और थोड़ा कुछ उन विदेशी कंपनी को दिया, और उन विदेशी कंपनी ने फिर उसमें से हिस्सा निकाला और रिश्वत दिया इसमें, और उसमें कुल मिला के रिश्वत 60,000 करोड़ रुपए। अब राजा ने दाम तय किया जानबूझकर 2001 का, तो मैंने केस डाला सुप्रीम कोर्ट में। मैंने पहले प्रधानमंत्री को कहा कि मुझे अनुमति दो, क्योंकि हमारी जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट की एक्ट है उसमें आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक कोर्ट में जाकर केस डाल सकता है, लेकिन मंत्री के खिलाफ डालेगा, कोई पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ भ्रष्टाचार पर डालेगा तो उसको अनुमति लेनी होती है डालने के लिए, क्यों नहीं तो उस हर लोग रोज डालते रहेंगे, परेशान करेंगे। इस कारण से बनी गई थी जिसको कहते हैं सैंक्शन। अब ये सैंक्शन एक प्रकार से रुकावट हो गई है, इसलिए इसको हटाने के लिए हमें सोचना चाहिए। और ये जो अन्ना हजारे की जो बिल है इसमें एक ही बात मुझे पसंद है, बाकी सब बेकार हैं,
वो है ये इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन कमीशन, जो आप लोक आयुक्त किसी को बना दो, लोकपाल जो भी है, और उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं हो, सीधा सीबीआई को फोन करके कह सकता है इस पर जांच करो, वो आ जाए तो और तेजी से हम कर सकते हैं ये प्रोसिक्यूशन। तो मैं गया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जवाब नहीं दिया, 5 चिट्ठी लिखी, हर बार कोई नई बात बताई उनको, उन्होंने हमें अनुमति नहीं दी, ना भी नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये प्रधानमंत्री अपना काम नहीं करता है, तो उसकी काम मुझे करने दीजिए, यानी आप करके मुझे अनुमति दे दीजिए। कोर्ट ने मुझे अनुमति दिया, मैंने जाकर केस डाला, राजा अंदर चले गए। अब उसकी सजा की बात है, वो 15 सितंबर से शुरू होगा और सजा तो मिलेगी जरूर। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि सारे और डॉक्यूमेंट्स मिलने लगे, तो देखा कि वो राजा ने अकेला तय नहीं किया था, उसके साथ एक और मंत्री की जिम्मेदारी थी। ये जब एनडीए सरकार थी, इन्होंने तय किया था कि फाइनेंस मिनिस्टर और टेलीकॉम मिनिस्टर दोनों मिलकर के दाम तय करेंगे, कैबिनेट नहीं करेंगे, ये दोनों मंत्री करेंगे और उनकी जो फैसला होगी वही फाइनल होगी। तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था जब ये राजा ने किया? चिदंबरम था। अब चिदंबरम पकड़ा गया, अब चिदंबरम को सीबीआई छूने के लिए डरती है, क्योंकि रोज उनसे मिलना होता है, होम मिनिस्टर है। तो इसीलिए मैंने एक और पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, और 2 तारीख की सुनवाई हुई थी, परंतु समय का अभाव था, तो 8 तारीख को फिक्स हुआ है, पूरा देश मेरे लिए फिक्स हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि राजा के साथ कंपनी देने के लिए चिदंबरम भी अंदर जाएगा। अब फटी वोड़ी भी चले गए, इतने मद्रासी चले गए, तो बेचारा वहाँ जो रसोई में है तैयार जेल में, उसको इडली मसाला डोसा बनाने के लिए मजबूर किया गया है, तो वो उसने सीख लिया। मैंने कहा तो आगे पिज्जा और स्पेगेटी भी सीखो, क्योंकि वो भी खाने वाले लोग आने वाले हैं। तो ये दुरुपयोग इस तरीके से होती है। अब बुरा क्यों है ये? क्योंकि ये पैसा जो है, अब 60,000 करोड़ रुपए की रिश्वत बांटे गए, राजा को सिर्फ 3,000 करोड़ मिला। तो राजा सोचा होगा भाई मैं सारा 60,000 रखूंगा तो ये सब मुझे मार देंगे, मेरे रहनुमा हैं उनको भी मुझे देना होगा, संरक्षक हैं उनको भी देना होगा। तो उसने बांटा, 3,000 अपने को रखा, चिदंबरम को 5,000 दिया, 8,000 हो गया। उसके बाद 16,000 दिया करुणानिधि को, करुणानिधि को ज़्यादा देना होगा क्योंकि उसके 3 बीवी हैं, तो ज़्यादा देखभाल करने के लिए वो भी करना है। तो 16, 8, 24 हो गया, तो बाकी हो गया 36,000 करोड़, ये सोनिया गांधी को मिला है। सोनिया गांधी ने अपने 2 बहन को बांट के, उन्होंने जाकर चाइना में एक बैंक है मकाओ में, जो सबसे आजकल सुरक्षित है, वो किसी का सुनता नहीं है चाइना, तो चाइना स्विट्जरलैंड को तो धमका करके ले सकता है अमेरिका, चाइना से आजकल सबसे सुरक्षित जगह तो मकाओ है, मकाओ में इन्होंने जमा किया। परंतु तो उसके लिए भी उपाय हैं और हम आगे सोचेंगे, क्योंकि हजम करने के लिए सारे एक साथ नहीं करना है, एक एक को लेकर करते जाना है। तो आज ये केस चलेगी, पेपर में कुछ भी लिखने दो कि 3 चिट दे दिया, वो चिट दे दिया, सब ये अखबार वालों को तो आप पैसा देकर कुछ भी छपवा सकते हो, आजकल सेठ लोग तो पूरा लगे हुए हैं, तो इस पर अखबार मत देखो। ये कोर्ट में मॉनिटरिंग हो रही है, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती जब तक कोर्ट अनुमति नहीं देगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में मैं बैठा हूँ, मेरा पिटीशन वहाँ है, इसलिए अखबार में कुछ भी आने, अखबार में कुछ भी आने। तो बुरा क्या है? अब गुरु जी ने जिक्र किया हमारे भाषण के बारे, मैं 5 आयाम में इसको बुरा देखता हूँ ये भ्रष्टाचार। पहला, ये पैसा कहाँ जाता है? ये चले जाता विदेश में, पूरा नहीं जाता, एक बड़ा हिस्सा चले जाता है, और कौन उसको विदेश भिजवाता है? हवाला के लोग। हवाले के लोग कौन है? पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान से जुड़े हुए, ISI से जुड़े हुए लोग। उनको पता लग जाता है कि हमारे मंत्री कौन कौन, कहाँ कितना बैंक अकाउंट है,
तो ब्लैकमेल होते हैं। मैं बता रहा हूं, आज हमारी जो कैबिनेट है ये आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि ISI कह देगी हम बाहर निकाल देंगे तुम्हारे बैंक अकाउंट। तो वो बैंक अकाउंट जाकर वहां जमता है। जमने के बाद चिदंबरम जब थे, उन्होंने एक पार्टिसिपेटरी नोट निकाली जो दुनिया में कहीं किसी और देश में नहीं है। वो एक सिर्फ एक कागज है, आप जाकर पैसा रखो US फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट कंपनी में या मॉर्गन स्टैनली में, वो आपको पर्चा देंगे, उसमें सिर्फ अमाउंट लिखी होगी। उस अमाउंट को लेकर आप हिंदुस्तान आइए और रिजर्व बैंक को एक कॉपी दीजिए और स्टॉक मार्केट में जाकर उसको इन्वेस्ट करिए। स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ेगा, बेचिए, बेचने के बाद वो जो आपको मुनाफा मिलती है उसका पैसा लेकर रुपए में मिलेगा, रिजर्व बैंक में जाकर कहिए मैं पार्टिसिपेटरी नोट में लाया हूँ, तो इसीलिए मुझे सारा डॉलर अभी दो। और कानून बनी है कि रिजर्व बैंक तुरंत, भले बाकी चीज़ों के लिए पैसा ना हो, परंतु इनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देकर इनको रुपए को डॉलर में करके ये डॉलर विदेश ले जा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा लाभ हो गया। पहले तो ऐसा होता था कि स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा रखोगे तो ब्याज नहीं मिलती थी, आपको सर्विस चार्ज देना होता था। और स्विट्जरलैंड क्या करती थी, उस पैसे जमा होने के बाद उसको लेकर जाकर अमेरिका में बॉन्ड में इन्वेस्ट करते थे। तो एक तरफ 2% सर्विस चार्ज और दूसरे 6% अमेरिका में इंटरेस्ट। तो कुछ काम करे हुए बिना स्विट्जरलैंड हमारे पैसे पर 8% कमाती थी, और इसीलिए आज स्विट्जरलैंड के लोग सब हम लोगों को पूजा करते हैं। जब भी कोई भारतीय आता है, मोटा सेठ सेठ जैसा लगता है, कोई करप्ट पॉलिटिशियन होता है, तो उसकी बड़ी स्वागत होती है। तो ये जो इससे क्या हो गया, हमारा स्टॉक मार्केट अब टोटली हमारे कंट्रोल के बाहर चले गया। ये विदेशी पैसा जो आती है वो आकर के यहाँ हमारे गड़बड़ कर दिए, कभी कभी भी ऊपर चढ़ा दो, कभी भी गिरा दो। दूसरा है कि घर के अंदर पैसा क्या होता है, अब उसको तो आप फैक्ट्री नहीं बना सकते हो, इनकम टैक्स वाले आके पूछेंगे आपको, तो आप उसको खर्च करो एयर कंडीशन में, एयर कंडीशन में खर्च करो, बड़ी LCGT में हर कमरे में लगा दो, बाथरूम में भी लगा दो, बड़े बड़े महल बना लो, प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाएगी, सारी विलासी वस्तुओं की जो दाम है बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, तो मुनाफा भी बढ़ जाती है। तो आगे जो जिसके पास पूंजी है वो कहता है मैं ये कपड़ा क्यों बनाऊँ, मैं ये साधारण वस्तु जनता की वस्तु क्यों बनाऊँ, वो पूंजी को बाहर निकालते हैं और ये विलासी वस्तुओं पर निकालते हैं। आज हमारे 5-star होटल सारे, कितना भी मंदी आए हमारी मार्केट में, पर 5-star होटल में कभी भीड़ की कमी नहीं होगी। तो ये हमारी 70% जो पूंजी है आज, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विलासी वस्तुओं की उत्पादन में लगी है, जब उल्टा होना चाहिए, 70% आम जनता की वस्तुओं के उत्पादन में होनी चाहिए, पर ये कालाधन के कारण ये उल्टा हो गया। अब कालाधन है पॉकेट में, मार्केट में आप फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी, सरकार ने कृषि उत्पादन में आप फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी आप खरीद सकते हैं, सेठ लोग खरीद सकते हैं। तो ये सेठ लोग क्या करते हैं, ये पॉलिटिशियंस जिनके पास काला धन है, वो कहते हैं, वो गांव में जाते हैं, थोक के बाजार में खरीद लेते हैं, सब्जी खरीद लेते हैं, चीनी खरीदते हैं, गन्ना खरीद लेते हैं, दाल खरीद लेते हैं, इस सब को फिर जमाखोर करते हैं, जमाखोर करने के बाद दाम बढ़ जाते हैं। देखिए हमारे देश की हालत कितनी मुद्रास्फीति है हमारे देश में, इसके कारण क्या है, हमारी ग्रोथ रेट को कहते हैं 9% चल रही है, इतनी बड़ी प्रोडक्शन की उत्पादन हो रही है, इतनी तेजी से हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो फिर दाम कैसे बढ़ रही है। मैं तो अर्थशास्त्र का प्राध्यापक हूँ और मैं तो सिखाता हूँ हमारे स्टूडेंट को कि सप्लाई बढ़ेगी तो दाम गिरेगी, यहाँ तो उल्टा, इंडिया में उल्टा इकोनॉमिक्स हो गया, सप्लाई भी बढ़ेगी दाम भी बढ़ेगी एक ही साथ, ये काला धन के कारण। तो इस प्रकार से हमारे सारे जो इकॉनमी है उसको उथल पुथल करने में काला धन सहयोगी है। तो फिर क्या करना चाहिए, उपाय क्या है? अब उपाय
तरह तरह के हो सकते हैं। अल्पकालीन में कानून को सख्त करना ठीक है, कानून सख्त करने से अच्छा है, मैं तो इतराज नहीं करूंगा, परंतु उसमें सारा मूवमेंट ही चला देना अनाजारे, तो हमारे अनाजारे के कमाल ये है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, उनके पास कुछ धन नहीं, कुछ संगठन नहीं, फिर भी वो आया और लोगों ने उसको प्रतीक मान लिया। ये हिंदुस्तान का है, फकीर के पीछे हम जाते हैं, तो जैसे महात्मा गांधी भी लंगोटी पहन के घूमता था तो लोग पीछे जाते थे, और ये अफ्रीकन लोग मुझे पूछते थे जब मैं विद्यार्थी बन के गया कि ये आधा नंगा आदमी का कैसे आप नेता मानते हो। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे देश में नहीं मानोगे? वो कहता नहीं, हमारे देश में तो सूट बूट पहन के बड़ी सजावट के साथ आनी चाहिए, सेंट वेंट लगा करके, तभी हम उसको नेता मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो हमारे देश का वो संस्कृति है, उसके संस्कृति के अनुसार ये अन्ना हजारे ने लोगों को जुटाया, उसका हम सराहना जरूर करते हैं, परंतु ये इलाज ये नहीं है। ओके, इलाज ये नहीं, तो इसीलिए हमें कानून बनाने से पर्याप्त नहीं है, ये हमें क्रियान्वित करनी है, और जरूर अच्छे कानून ये पार्लियामेंट में वॉकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, हवा बनाने में अच्छा है, परंतु कोर्ट के जरिए सजा देने की व्यवस्था हमें करनी है, तब ही ये भ्रष्टाचार की रोक लग सकती है। इसीलिए ये अल्पकालीन में तो हम लोगों को कोर्ट के जरिए जितना कर सकते हैं करते रहना चाहिए। दूसरा है कि दीर्घकालीन के लिए हमारे जो मूल्य हैं उसको बदल देना चाहिए। ये मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि गुरुमूर्ति ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया, तो ग्लोबलाइजेशन में तो रोक नहीं सकते, ये सारा इंटरनेट आ गया, ईमेल आ गया, तो वैसे भी दुनिया छोटी हो गई है, लेकिन मूल्यों को भूलना नहीं चाहिए। ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये एक आयाम की भौतिक बात है, और ये आपको सुखी नहीं करने वाली, अब सुखी कर जाती, धन सुखी कर देती आपको, तो ये हमारे साधुओं के आश्रम में इतने विदेशी क्यों हैं? अभी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जूलिया रॉबर्ट्स, सबसे अमीर एक्ट्रेस, वो हिंदुस्तान आई और हिंदू बन गई। ये जो आईफोन का स्टीफन जॉब्स है वो भी हिंदू बन गया, फोर्ड का ग्रैंडसन भी हिंदू बन गया, न्यूज़वीक में आर्टिकल आ गए कि हम सब हिंदू धीरे धीरे बन रहे हैं। क्यों? ये भौतिकवाद जो है, ये भौतिकवाद से आप सुखी नहीं हो सकते, ये संतुलन लानी पड़ेगी, एक समन्वय लानी पड़ेगी आध्यात्मिकता के साथ। ये दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, उसका मूल बात यही थी, हमारे जो संस्कृति है सनातन धर्म उसमें भी यही बात है कि धन के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा नहीं बनेगी, दान के आधार पर बन सकती है, परंतु धन आपने कमा दिया है उसके आधार पर आपकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं बन सकती है, और वो मूल्य को हमें लाने पड़ेगी लंबा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे बीमारी है भ्रष्टाचार, और हमारी इलाज है सनातन धर्म, ये दोनों को साथ लेकर चलनी पड़ेगी, तभी हमें दीर्घकालीन में समाधान मिलेगी। धन्यवाद।